नमस्कार आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूं प्रदीप सिंह पंजाब की बात करेंगे आज और पंजाब का इलेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है और उसे बढ़ा दिया गया है बीस फरवरी हो गई है अब चौदह फरवरी की बजाय वैसे वैसे राजनीतिक जो माहौल है जो परिस्थिति है जो इक्वेशन है वो सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है कौन किसके समर्थन में है जो 22 किसान यूनियंस की पार्टी बनी है संयुक्त समाज मोर्चा वो क्या करेगी किसका वोट काटेगी वहाँ जट सिख सबसे ज़्यादा हैं तो क्या जट सिखों के अकाली का, दल के कांग्रेस के वोट काटेंगे वो उनको वोट कितने मिलेंगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे सवाल ये होगा कि उनको कितने प्रतिशत वोट मिलते हैं कितनी सीटें जीतने की क्षमता है ये सब जो है पता चलेगा लेकिन अभी कोई माहौल स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है उसकी एक वजह ये है कि अभी फिजिकल रैलीज नहीं शुरू हुई हैं जब ये जो संयुक्त समाज मोर्चा है इनके नेताओं की रैलियां शुरू होंगी तब ये दिखाई देगा कि इनके साथ कितने लोग हैं हालांकि रैली में आने वाली भीड़ कोई जो है वो पैमाना नहीं होती कि वो सब वोट में कन्वर्ट हो जाएगी लेकिन एक अंदाज़ा लगता है भीड़ जो आ रही है उसमें उत्साह कितना है उसमें से अपने से कितने लोग आए हैं कितने लोगों को लाया गया है ये सब सारे जो है सवाल होते हैं लेकिन आज बात जो है इसकी नहीं कर रहे आज बात कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू की क्या कांग्रेस पार्टी ने या बल्कि कहिए क्या गांधी परिवार ने नवजोत सिंह सिद्धू को छोड़ दिया है या मान लिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कांग्रेस की नाव डूबना तय है सिद्धू के बिना शायद तैर जाए क्या ये एहसास हो गया है कांग्रेस के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है ये कहना कि वो इस आधार पर ये फैसला लेंगे वो ऐसा भी फैसला ले सकते हैं जो पार्टी के हित में ना हो और ऐसा भी फैसला ले सकते हैं जो किसी को समझ में ना आए कि ये फैसला आखिर लिया क्यों गया तो इन सब खतरों के बावजूद मैं ये गेस करने की कोशिश कर रहा हूँ या अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके संकेत मिल रहे हैं उसी आधार पर अनुमान लगा रहा हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाने का कांग्रेस हाईकमान ने फैसला कर लिया है अभी राहुल गांधी गए थे पंजाब पहली यात्रा थी उनकी इस चुनाव में अमृतसर गए उसके बाद उन्होंने जो बात कही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी मैंने चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू से दोनों से बात कर ली दोनों ने ये कहा कि पार्टी जिसके नाम पर फैसला करेगी दूसरे को मंजूर होगा तो यानी अब दोनों इस बात से अपने इस वादे से बंधे हुए हैं कि जिसका भी नाम पार्टी हाईकमान तय करेगा हालांकि राहुल गांधी ने कहा कार्यकर्ताओं से पूछकर करेंगे इस इससे बड़ा जो है वो तो पाखंड मुझे नहीं लगता कि और कोई हो सकता है कि कार्यकर्ताओं से पूछ कर करेंगे ये पाखंड जो है आम आदमी पार्टी कर चुकी है कि फ़ोन से लोगों का के रिएक्शन लेंगे राय जानेंगे उसके बाद तय करेंगे वही तय हुआ जो तय होना था जो बल्कि अरविंद केजरीवाल ने तय किया था उसी की घोषणा हुई इसी तरह से वही घोषणा होगी जो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा तय करेंगे और इसमें इसमें किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि कोई कार्यकर्ता से नेताओं से किसी से पूछा जाएगा या पूछा भी जाएगा तो उसके आधार पर फैसला होगा चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी एक और सीट से लड़ा रही है बरनाला जिले की भदौड़ सीट है विधानसभा सीट यहाँ से चरणजीत सिंह चन्नी लड़ेंगे मतलब तो यहाँ से भी चमकौर साहिब जो उनकी अपनी कॉन्स्टिटेंसी है उसके अलावा ये सीट जो भदौड़ की सीट है ये आती है मालवाड़ी री, रीजन में और यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अकाली दल दोनों का असर है खासतौर से आम आदमी पार्टी का उसकी काट के लिए चन्नी को यहाँ उतारा जा रहा है अब इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 19 सीटें हैं आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि उन सब पर असर होगा चन्नी के आने का दूसरा मालवा रीजन में ही डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव है और आपको पता है डेरा सच्चा सौदा के ज़्यादातर जो अनुयायी हैं फॉलोअर हैं वो अनुसूचित जाति के लोग हैं इसलिए उनका कोई व्यक्ति पहली बार मुख्यमंत्री बना है और उसके फिर बनने की संभावना है इस बात का उन पर असर तो ज़रूर होगा कितना होगा वोट में कितना तब्दील होगा मुझे नहीं मालूम है लेकिन उसका असर होगा इतना इतना तो निश्चित है और उसका सकारात्मक असर होगा कोई नेगेटिव असर नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो है मालवा से उन चन्नी को लड़ाने का फैसला एक तरह से कहें तो रणनीतिक रूप से बहुत अच्छा फैसला है दो सीटों से लड़ाने और चन्नी की लोकप्रियता पर या कहें कि उनकी जाति पर कह लें उनके उन वो उन, जिस समाज से आते हैं उसके वोट पर भरोसा करना जिसकी आबादी पंजाब में बत्तीस फीसदी है बत्तीस फीसदी दलित हैं पंजाब में और उनके बीच से कोई मुख्यमंत्री पहली बार बना है इसका असर निश्चित रूप से चुनाव पर पड़ने वाला है ये बात बाकी पार्टियों को भी समझ में आ रहा है आम आदमी पार्टी जो कि हमेशा जो है केवल बयान हल्ला विज्ञापन इसी पर चलती है इसी से अपने अपना कैंपेन चलाती है जैसे ही घोषणा हुई कि चन्नी दूसरी सीट से भी लड़ेंगे तुरंत अरविंद केजरीवाल का सर्वे निकल आया उन्होंने कहा हमने भी अपना इंटरनल सर्वे कराया था उसमें पता चला कि चमकौर साहब से चन्नी हार रहे इसलिए भागकर दूसरी सीट पर गए उनको समझ में नहीं आ रहा या समझ में आ रहा है तो स्वीकार नहीं करना चाहते वो स्ट्रेटजी के नाते ऐसा बोल रहे हैं कि मालवा में चन्नी के भदौड़ सीट से उतरने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किल और बढ़ जाएगी तो चन्नी को दो सीटों से लड़ाने का मतलब है कि कांग्रेस हाईकमान ने तय कर लिया है कि वो दाव चन्नी पर लगाएंगे अब आप तार्किक ढंग से सोचिए तो आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। पहली बार किसी दलित को पंजाब में मुख्यमंत्री बनाया गया है कांग्रेस पार्टी इसे अपना ट्रम कार्ड बता रही है अब क्या ऐसा संभव है चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ये कहे कि चुनाव के बाद हम चन्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे दलित समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे हम फिर से जट सिख को मुख्यमंत्री बना देंगे सिद्धू का नाम घोषित कर दे ऐसा हो सकता है क्या तार्किक रूप से रणनीति की दृष्टि से चुनावी फायदे के के नज़रिए से नहीं होना चाहिए लेकिन मैं ये कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा होने ही जा रहा है मैं केवल जो संकेत मिल रहे हैं उनके आधार पर ये बात कह रहा हूँ अगर अगर कांग्रेस पार्टी कांग्रेस हाईकमान गांधी परिवार जो भी कहना चाहें वो ये फैसला करता है कि नवजोत सिंह सिद्धू उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तो आप मान लीजिए जिस दिन ये बयान आएगा उसी दिन कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाएगी दलितों में इसका रिएक्शन जो होगा देखिए कोई किसी को आप कुछ दें उससे वो खुश होगा कि नहीं होगा इसमें शंका बनी रहती है लेकिन किसी से अगर कुछ छीन ले तो उसका नुकसान तय होता है तो अगर कांग्रेस पार्टी किसी दलित को मुख्यमंत्री न बनाती तो शायद दलितों में कोई बड़ा जो है उस कांग्रेस पार्टी को लेकर ऐसी भावना ना होती लेकिन बनाकर उनके व्यक्ति को ये एक तरह से अपमानित करना होगा कि तीन महीने के लिए आपने चार महीने के लिए बनाया और अब कह रहे हैं कि चुनाव अगर जीत गए फिर से जो कि चन्नी जिताएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो हम उनके उनको नहीं नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिसके पास थोड़ी भी समझ होगी वो इस तरह का फैसला ले सकता है ये तो संभव था कि कांग्रेस पार्टी कहती कि हम किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित करेंगे और चन्नी अभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं इसलिए ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन एक बार ये घोषणा करने के बाद कि हम मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेंगे फिर ये संभव नहीं लगता मुझे जितनी मेरी राजनीतिक समझ है उसके अनुसार कि कांग्रेस पार्टी चन्नी की बजाय सिद्धू को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना देगी आपको याद होगा पिछले चुनाव में 2017 में भी इसी तरह से राहुल गांधी आए थे एक सभा में उनको घोषित करना पड़ा था मजबूरी में कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम कि वो हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तब भी वो नहीं चाहते थे इस बार वो चाहते थे कि नहीं मुझे नहीं पता लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ख़ासतौर से प्रियंका वाड्रा जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को इतना चढ़ाया कैप्टन को अपमानित करवाया उनसे उनका इस्तेमाल किया उसके बाद सिद्धू को छोड़ना यानी गलती को स्वीकार करना तो गलती को स्वीकार करके अगर आप उसमें सुधार करते हैं तो ये अच्छी बात है लेकिन ये इससे यह भी एक संकेत मिलता है कि आपकी समझ कैसी है राजनीतिक आपकी राजनीतिक पसंद कैसी है कैसे आपने उस व्यक्ति को पसंद किया लीडर के रूप में नवजोत सिंह सिद्धू को जिस पर आप कुछ महीने भी भरोसा नहीं कर पाए अब विरोधियों को तो छोड़िए आपको खुद उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं रह गया अगर चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होते हैं जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा संभावना लगती है तो इसका असर कई जगहों पर होगा जो अकाली दल और बीएसपी का अलायंस हुआ है उस पर भी असर पड़ेगा इसका नुकसान जो है अकाली दल को भी उठाना पड़ेगा उस एलायंस को भी उठाना पड़ेगा इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को भी उठाना पड़ेगा जो मालवा में काफ़ी मजबूत है वहाँ दलित वोट अगर आम आदमी पार्टी से खिसक जाते हैं या जितना पिछली बार मिले थे उसमें से कुछ हिस्सा भी खिसक जाता है तो आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी उसके अलावा सिद्धू की मुश्किल और बढ़ गई सिद्धू के खिलाफ विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने घोषित कर दिया नॉमिनेशन भी कर दिया कि अमृतसर ईस्ट की सीट से सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे उनको हराएंगे ऐसा दावा किया उन्होंने सिद्धू के लिए बड़ी कठिनाई है चुनाव क्षेत्र में कोई काम किया नहीं है वहाँ जाते नहीं थे ज़्यादा स्थानीय जो कांग्रेस के नेता हैं उनमें से एक बड़ी संख्या है जो सिद्धू के खिलाफ है सिद्धू के लिए जो जो अपनी कॉन्स्टिटेंसी की दृष्टि से कहें कि चुनाव की दृष्टि से सबसे बड़ा मास्टर कार्ड था कि चुनाव से पहले विक्रमजीत सिंह मजीठिया को जेल भिजवा दें इसीलिए एफ करवाई गई और यह कोशिश थी पूरी कि कोई भी तरीका अपनाया जाए एक बार मजीठिया को जेल भिजवा दिया जाए तो उस उम्मीद पर भी पानी फिर गया सुप्रीम कोर्ट ने फिर आज सुनवाई में कह दिया कि 23 फरवरी तक पंजाब सरकार पंजाब पुलिस विक्रमजीत सिंह मजिठिया को गिरफ्तार नहीं करेगी 20 तारीख को पोलिंग है मतदान है तो मतदान होने तक वोट पड़ने तक तो विक्रमजीत सिंह मजीठिया को गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट ने अभयदान दे दिया तो अब मजीठिया की गिरफ्त पर जो उनकी गर्दन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी वो हट गई है उनका हौसला और बढ़ा होगा सिद्धू की मुश्किल और बढ़ेगी तो सिद्धू के लिए चौतरफा जो है वो संकट है मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि सिद्धू को अब कोई नहीं बचा सकता तो वो बात धीरे धीरे पुख्ता होती जा रही बल्कि उसमें मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूँ मैंने कहा था गांधी परिवार भी नहीं बचा पाएगा अब मैं कह रहा हूँ गांधी परिवार भी नहीं बचाना चाहता सिद्धू को बचाना कौन चाहता है सिद्धू के अलावा कांग्रेस पार्टी में सिद्धू को ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो उनको बचाना चाहते हो और जिस दिन चन्नी के नाम की घोषणा हो गई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में समझ लीजिए कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा ने हाथ झाड़ लिए हैं नवजोत सिंह सिद्धू से उसके बाद क्या करेंगे सिद्धू ने अभी एक दिन बयान दिया कि कांग्रेस को केवल कांग्रेस हरा सकती है मैं कह रहा हूं कांग्रेस को केवल सिद्धू हरा सकते हैं अब चन्नी का नाम अनाउंस होने के बाद सिद्धू कांग्रेस को हराने का काम करेंगे या जिताने की कोशिश भी करेंगे अभी तो सवाल उनके चुनाव जीतने पर है विधानसभा चुनाव जीतने पर है ये सारी मुश्किलें सिद्धू के सामने हैं रास्ता नहीं है विकल्प नहीं है अब कोई चुनाव का मैदान सच चुका है सारी सेनाएं जो हैं युद्ध क्षेत्र में पहुंच गई हैं अब भागने का कोई रास्ता नहीं सारे स्केप रूट बंद हो चुके हैं इसलिए सिद्धू चाहे न चाहे उनको कांग्रेस में रहना पड़ेगा और चन्नी का जयकारा लगाना पड़ेगा अगर कांग्रेस में थोड़ी भी राजनीतिक समझ बची है तो, तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए इजाजत दीजिए नमस्कार आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए नमस्कार